अयोध्या में विवादित स्थल पर पूजा की इजाजत की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किए हैं। यह याचिका जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने दी थी। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस का जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया है। हमारे साथ जी न्यूज संवाददाता शैलेश रंजन इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। शैलेश, इस नोटिस का मतलब क्या समझा जाए? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी की इस याचिका में ये कहा गया है कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि वहाँ पर लोग पूजा और अर्चना कर सकते हैं और उसमें कहीं किसी तरह की कोई मनाही नहीं होगी। स्वामी की जो दलील है वो ये कहते हैं कि चूंकि वहाँ पर सिक्योरिटी की ज्यादा व्यवस्था है, इसलिए लोगों को सही तरीके से पूजा करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लोगों को मंदिर के आसपास, जो विवादित स्थल है उसके आसपास घुसने से मना किया जा रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। इस चीज को लेकर यूपी सरकार से और केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। 6 हफ्ते के बाद इस मामले में सुनवाई होगी। रोहित जी, बिल्कुल, लेकिन ये अपने आप में एक फिर से बड़े विवाद की शुरुआत तो नहीं है? देखिए रोहित, ये सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला दिया था उस वक्त जब कल्याण सिंह को एक दिन की सजा सुनाई गई थी, उसके बाद जब अगली सुनवाई हुई थी करीब 1996 के लगभग में, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वहां पर पूजा करने की इजाजत दी जाएगी और दी गई थी। बजाबता अदालत का आदेश पारित हुआ था उसके बाद और तब से लेकर अब तक अब किसी तरह कोई विवाद नहीं उत्पन्न हुआ था। लेकिन इसी याचिका के बाद, क्योंकि राज्य सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है और केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई मनाही नहीं की गई थी, इस लिहाज से ये देखना दिलचस्प हो जाता है रोहित कि दोनों सरकारों का किस तरीके से जवाब आता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल बात करने के लिए शैलेश। तो केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा गया कि क्यों पूजा की इजाजत ना दी जाए। अयोध्या में विवादित स्थल पर जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया गया।